अगर हम हिमायत करें तो तुम क्या करोगे? हमें आजाद कर दोगे? हाँ, अगर तुमने हमें आजाद न किया और वादा खिलाफी की तो बहुत पछताओगे। मुमकिन है तुम्हारे खिलाफ किसी भी किस्म की मजाहमत नहीं करेंगे, और अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हें भी तमाम इस्लामी हुकूमतों से बर्ताव कर देंगे। मुझे यकीन है। क्या सबूत है कि हम तुम्हारी कामयाबी की पहली कुर्बानी न होंगे? कोई सबूत नहीं। हाँ, अलबत्ता अभी ऐसा नहीं कर सकता। ईसा इब्ने मोहान के खात्मे के लिए जरूरी है कि बगदाद की तरफ कूच करूं और अपने भाई का काम तमाम कर दूं। अलबत्ता जब इस काम से फारिग हो जाऊंगा और खिलाफत मेरे हाथ आएगी, यकीनन तुम लोगों को आराम ना करने दूंगा। सरबाजों को शहर देहात में जाने से रोको। किसी को भी किसी शहरी और देहाती की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं। ये मत भूलो कि हम लोग इस वक्त इन लोगों की हिमायत के किस कदर मोहताज हैं, और जिस इलाके में भी पहुंचो ये खबर सब तक पहुंचा दो कि ईसा इब्ने मोहान इस तरफ हरकत कर रहा है। सबको ये जान लेना चाहिए कि कौन सा खतरा उनके पीछे। बिलाकर छोटे शैतान को पकड़ लिया। देख देखा आखिर पकड़ी गई। इस कान वाली मछली का जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं 10 दिन से इसके इंतजार में था। अब बोलो फजल, तुम क्या चाहते हो? खुरासान से कासिद आया है और 2 खत लेकर आया है। कसीर, मैंने कसम खाई थी कि जब तक ये कान वाली मछली में नहीं मिल जाती कसीर को आजाद नहीं करूंगा। अब जबकि ये खूबसूरत कान वाली मछली मुझे मिल गई है तो उस 2 पैरों वाले जानवर को फौरन आजाद कर दूंगा। तुम बाहर आ जाओ। क्या हुआ है? खलीफा का हुक्म है कि तुम्हें हाजिर किया जाए। किस लिए? हमें नहीं पता। हुक्म दिया गया है कि तुम्हें उसके हुजूर पेश किया जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुरासान से कासिद आया है और अपने साथ 2 खत लेकर आया है आपके लिए। एक ईसा जलूदी और अबू यूनुस की तरफ से। क्या कहा? वो दोनों अपनी गलती और आजजी का इजहार कर रहे हैं और आपसे माफी के तलबगार हैं। उन्होंने गलती की है और उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। उनके लिए कोई माफी नहीं है। मैंने अहद किया था कि उनकी गर्दन सर रा कलम करूंगा और ये मैं जरूर करूंगा। आपका हुक्म बजा है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अरसा उन दोनों से फायदा उठाएं। खुरासान के हालात मामून और फजल इब्ने सहल के राजों से आगाह हों, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फायदा उठाओ, लेकिन याद रखना उनकी गर्दन जरूर कलम की जाएगी। दूसरा खत अमीर जादे अब्दुल्ला मामून का है। यकीनन बख्शिश तलब की होगी और इजहार बंदगी क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर क्या किया है? अमीरुल मोमिनीन को नसीहत की है और अहदे मक्का की याद दहानी कराई है।
उसने याद दहानी कराई है। अहमक अपने आप को अच्छा समझने वाला, मैं बाबा से बुलंद तुझे आगाह करता हूँ कि क्यों मुझे अहदनामे की तरफ खींचता है। अहदनामा खत्म हो गया है, अब सिर्फ मैं हूँ। अगर चाहूँ तो तेरे हाथ पांव बांधू, जो कि बांधूंगा। अब मैं हुकूमत में हूँ, इसलिए अब इस फजूल अहदनामे की कोई अहमियत नहीं है। ये मेरा हुक्म है कि अहदनामे से मामून की बाबत सब उमूर निकाल दिए जाए। मैं अपने बेटे मूसा को उसकी जगह वली अहद मुकर्रर करता हूँ। तुम यहाँ हो मेरी माँ, तुम्हारी आंखें रोशन हो। खाना पकाने वाली कनीज चाहती है कि तुम्हारी जगह ले ले। मराजिल चंद्रपों की खरीदी हुई कनीज का बेटा चाहता है मेरा जानशीन बने। इतने रवि, ये जानना चाहोगे कि मामून की माँ कौन थी और किस तरह पैदा हुआ है? वाकई तुम सुनने के काबिल है। चंद साल पहले इसी बुजुर्ग खातून ने मेरे बाप से शर्त लगाई कि जीत जाए, और ये कहा कि तुम ऐसी कनीज जो बदसूरती में जहन्नुमी औरतों की तरह हो, हम बिस्तर हो। और मामून उसी अजाब इलाही की पैदावार है जो अब खिलाफत के ख्वाब देख रहा है। क्या क्या ऐसा नहीं था माँ? वही कल की गलती आज के दिन का अजाब है। इतने रवि, मेरे तमाम अहकाम फौरी जारी कर दो और उस कनीज के अहमक बेटे को तह तेग कर दो, और फौरन मेरे बेटे मूसा को बतौर जानशीन मुतारफ करा दो। जाओ। कसीर, मेरे दोस्त। रुक जाओ, शायद गलत फहमी हो गई है तुम लोगों को। मदीने का दरवाजा उस तरफ है, जानते हैं? तो फिर इस तरफ कहाँ जा रहे हो? रसूल खुदा के बेटे के घर। किस लिए? ज़ियारत के लिए। सिर्फ ज़ियारत के लिए? ज़ियारत और तलब इजाजत के लिए। इजाजत? हाँ, हम उनसे इजाजत लेना चाहते हैं ताकि ये जान सके कि हमें अपने कबीलों को मैदान जंग में भेजना चाहिए या नहीं। खलीफा की मदद के लिए अबुल हसन से इजाजत लोगे? अच्छा, क्या हुआ? अबुल हसन ने इजाजत नहीं दी है और फरमाया है कि मोमिनीन को इस खत्ते में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और फरमाया है कि अल्लाह ने जालिमों को जालिम से टकरा दिया है। तुम दोनों आदमी बाहर आ जाओ। इधर आ। जल्द अज जल्द शहर के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करो। वहाँ एक गुलाम तुम्हारा मुंतजर है, ये अंगूठी उसको दिखा देना और फिर अपने सफर पर रवाना हो जाना। तो क्या तुम नहीं आओगे? क्यों नहीं, एक छोटा सा काम है, उसको अंजाम देना है। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? सफर करो। ओ, हमें यहाँ उनका इंतजार करना चाहिए। अम्र, तुम लोग यहाँ हो? कहाँ थे? ये मुझे मारना चाहता है। जो हो गए, हंसी मजाक कर रहे हैं। मेरी मदद करो, ओ, 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 मेरी मदद करो। क्या?